लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सारे लोग टाइटन पिलर के पास पहुंच चुके थे और अब वो सभी उस टाइटन पिलर के सामने पूजा करने लगते हैं। और अब लियांग कहता है कि ये बिल्कुल राइट टाइम है और इतना कहते ही वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और फिर बहुत ही तेजी से उस पिलर के पास जाने लगता है और फिर अपनी फुल पावर से उस पिलर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लियांग के अटैक से उस पिलर में एक खरोंच तक भी नहीं आती है, जिसे देख कर लियांग कहता है कि आखिरकार ये इतना टफ कैसे है। और अब फिर से लियांग अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को जनरेट कर देता है जो कि एक स्काई लेवल की नाइन्थ क्लास की स्किल थी और अब वो अटैक भी जाके उस पिलर में लगता है। लेकिन इस बार भी उस पिलर को कुछ भी नहीं होता है और अब ये देखकर लियांग काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि मेरी दो दो अटैक के लगने के बावजूद भी इस पिलर में दरार तक भी नहीं आई है। और अब ये देखकर सावचन कहता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि भला कोई मैजिक वेपन इस पिलर को गिरा पाएगा। और फिर सावचन उस पिलर की ओर देखते हुए सोचता है कि अगर मैं भी इस पिलर को डिस्ट्रॉय करना चाहूंगा तो इसके लिए मुझे और ब्लैकी को अपने पावर्स को मर्ज करके कम से कम 10 बार फ्यूजन अटैक करना होगा। और अब लियांग की सरकत पे सारे टाइटन उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अब लियांग सारे लोगों से कहता है कि ब्रदर्स कोई भी पीछे मत हटना क्योंकि ये लोग ऑलरेडी पॉइजनेड हो चुके हैं और अब हमें इन टाइटन से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब लियांग की बातें सुनने के बाद सारे लोग भी बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाते हैं और फिर लियांग कहता है कि भाइयों चलो इन सबको खत्म करते हैं। और अब तभी लियांग की नजर सावचन के ऊपर पड़ती है और अब ये देखने के बाद लियांग कहता है कि ब्रदर सावचन तुम वहाँ पर नीचे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो हमारे साथ होना चाहिए था। और अब ये सुनने के बाद सावचन कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन जो मुझे बता रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और अब ये सुनने के बाद लियांग भी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये मेरे साथ गद्दारी कैसे कर सकता है क्योंकि इसने तो मेरे साथ मार्शल स्प्रिट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और अब सावचन भी लियांग के पास आने लगता है और फिर सावचन लियांग से कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैंने तुम्हारे प्लान के बारे में सारे टाइटन्स को पहले ही बता दिया था। और अब ये सुनने के बाद लियांग थोड़ा घबराते हुए कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर तुरंत लियांग अपने कॉन्ट्रैक्ट को निकाल लेता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को दिखाते हुए सावचन से कहता है कि देखो तुम मेरे साथ गद्दारी नहीं कर सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट से सावचन का नाम ऑटोमेटिक गायब हो जाता है और अब ये देखने के बाद लियांग के पसीने छूटने लगते हैं। और अब नीचे से ये लेडी कहते हैं कि अब बस बहुत हुआ, तुम सारे लोग अपने आप यहाँ पे सरेंडर कर दो क्योंकि इस पवित्र जगह पे हम लोग जरा सी भी खून की बूंदे नहीं गिराना चाहते, इसीलिए तुम लोग बिना फाइट किए सरेंडर कर दो, हम तुम्हें बख्श देंगे। और अब ये सुनने के बाद सावचन कहता है कि सच में ये लेडी बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है। और अब लियांग कहता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और फिर लियांग कहता है कि क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर लियांग कहता है कि सावचन मैं नहीं जानता कि तुमने कैसे मार्शल स्प्रिट कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया, लेकिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरा प्लान इतना सिंपल है। और इतना कहते लियांग लीफी को इशारा कर देता है और वो दोनों मिलकर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं। और अब लियांग बताता है कि ये लीफी के हार्ट और ब्लड से मिलकर बना हुआ स्पेल है और तुम लोग इस फॉर्मेशन के बीच में जो ये आंख देख रहे हो वो दरअसल एक यूनिकॉर्न था। और अब यूनिकॉर्न का नाम सुनते ही सारे टाइटन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अब लियांग भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस यूनिकॉर्न को निकालने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद आसपास की चीजें बहुत ही ज्यादा हिलने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जायंट मॉन्स्टर आ जाता है और यही जायंट मॉन्स्टर यूनिकॉर्न होता है। और अब उसे देखकर सारे टाइटन बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं। और अब लियांग बताता है कि यही इकलौता ऐसा मॉन्स्टर है जिसका टाइटन्स भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और अब टाइटन्स के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और अब ये लेडी कहती है कि यूनिकॉर्न तो कब के खत्म हो चुके थे, तो फिर आज तुमने एक यूनिकॉर्न को फिर से जिंदा कैसे किया। अब लियांग बताता है कि करीब आज से 100 साल पहले से ही मैं यूनिकॉर्न्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था ताकि एक दिन मैं तुम्हारे टाइटन क्लैन को पूरी तरीके से खत्म कर सकूं। और फिर लियांग कहता है कि भले मेरा यूनिकॉर्न उतना ज्यादा परफेक्ट ना हो लेकिन ये काफी होगा तुम्हारे ट्राइब को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए। और अब ये सुनने के बाद ये लेडी बहुत ही ज्यादा मायूसी से सावचन की तरफ देखती है, जिस पर सावचन भी उसकी ओर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि टेंशन मत लो मैं यहीं पे हूँ। और अब ब्लैकी पूछता है कि सावचन आखिरकार ये लोग इस यूनिकॉर्न से इतने ज्यादा डर क्यों रहे हैं। तब सावचन बताता है कि टाइटन्स और यूनिकॉर्न में सेम ब्लड होता है क्योंकि इन दोनों का जन्म एक एंशन बीस्ट के कारण हुआ था और उस एंशन बीस्ट का नाम पीतिन था और वो बीस्ट है वेनोर अर्थ का गॉड था और गॉड होने के साथ ही वो एक पक्का वाला ठरकी था। पीतिन हमेशा अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए ह्यूमंस के साथ इंटीमेट होता था और फिर फाइनली पीतिन और ह्यूमंस के मेल से दो नए जीवों का जन्म हुआ जिसमें से फीमेल का नाम टाइटन और मेल का नाम यूनिकॉर्न हुआ। और चूंकि पीतिन खुद एक मेल था इसीलिए टाइटन की तुलना में यूनिकॉर्न ज्यादा पावरफुल था, लेकिन यूनिकॉर्न बस अपने पिता की तरह ही एक नासमझ मॉन्स्टर बीस्ट था। लेकिन टाइटन्स बिल्कुल अपने माँ पे गई थी और इसीलिए उनके पास अपने पिता का पावर होने के साथ साथ ह्यूमन की तरह सोचने की क्षमता भी थी। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी कहता है कि क्या इसी वजह से यूनिकॉर्न पहले खत्म हो गए। तब सावचन कहता है कि हाँ यूनिकॉर्न्स भले टाइटन से कई गुना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो लेकिन ये लोग बेअकल थे। और फिर सावचन कहता है कि यूनिकॉर्न्स बिना कोई छाप छोड़े आज से कई सौ साल पहले ही गायब हो चुके थे और मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि इन्फिनिट सोर्ड सेक्ट के लोगों ने इतने सालों से एक यूनिकॉर्न को छिपा के रखा था। और अब ब्लैकी उस यूनिकॉर्न को देखते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्लो है। तब सावचन कहता है कि ब्लैकी तुम बहुत ही ज्यादा गलत हो, दरअसल यूनिकॉर्न हमारी सोच से भी कई गुना ज्यादा तेज होते हैं। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी अपने मन में
सोचता है कि भला ये तोंदू मुझसे ज्यादा तेज कैसे होगा। और अब साउच एंड ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी तुम एक बार जाके उसके साथ ट्राई क्यों नहीं करते। और अब इतना सुनते ही ब्लैकी भी ओके कहते हुए अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। और फिर ब्लैकी उस यूनिकॉर्न की ओर देखते हुए कहता है कि चलो आ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम में कितना दम है। और अब ये सुनने के बाद वो यूनिकॉर्न भी ब्लैकी के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। और अब ब्लैकी सीधे उस यूनिकॉर्न के ऊपर अटैक कर देता है। और अब ये देखकर लियांग कहता है कि साउचेन भले ही तुम्हारे पास कितने मिस्टीरियस कार्ड क्यों ना छिपे हो, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे यूनिकॉर्न को नहीं हरा पाएगा। और इस बार मेरा यूनिकॉर्न तुम्हारे साथ साथ पूरे टाइटन ट्राइब को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और अब इधर ब्लैकी उस यूनिकॉर्न के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो यूनिकॉर्न बहुत ही तेजी से ब्लैकी के पास अपने पंच के साथ पहुंच जाता है। और फिर वो अपने पंच को ब्लैकी के ऊपर दे मारता है। और अब इस पंच के लगने के कारण ब्लैकी बहुत ही ज्यादा पीछे हट जाता है। और अब ये देखने के बाद ब्लैकी अपने मिस्टिक थंडर का यूज करता है, लेकिन इससे भी उस यूनिकॉर्न को कुछ भी नहीं होता है। और अब वो यूनिकॉर्न अपने पैर से ब्लैकी को कुचल देता है। और अब ये देखकर लियांग हंसते हुए कहता है कि इस यूनिकॉर्न में सुप्रीम लेवल के पीक लेवल की पावर्स है, और यहाँ पर कोई भी इस लायक नहीं है कि वो इस यूनिकॉर्न को टक्कर दे सके। और अब हम ब्लैकी को देखते हैं जो कि जमीन में पूरी तरीके से धंस चुका था। और अब ये यूनिकॉर्न साउचेन को आने के लिए कहता है। और अब ये देखकर साउचेन भी अपने फॉर्म में आते हुए कहता है कि चलो देख ही लेते हैं कि एंशिएंट बीस्ट कितने पावरफुल थे। और इतना कहते ही साउचेन सबसे पहले फर्स्ट मूव का यूज करता है, लेकिन इस अटैक से भी उस यूनिकॉर्न का कुछ भी नहीं होता है, बस उस यूनिकॉर्न के कपड़े में थोड़ी सी आग लग जाती है। और अब साउचेन बहुत ही तेजी से थर्ड मूव के साथ उस यूनिकॉर्न के पास आ जाता है, लेकिन वो यूनिकॉर्न इतना ज्यादा तेज था कि वो तुरंत वहां से गायब होकर साउचेन के पीछे चला जाता है। और ऐसे साउचेन जब भी उस यूनिकॉर्न के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता तो यूनिकॉर्न हर बार साउचेन के अटैक से बच के कहीं और चला जाता है। और अब लास्ट में वो यूनिकॉर्न भी साउचेन के ऊपर एक अटैक करके उसे भी जमीन में पटक देता है। और अब साउचेन सोचते हुए कहता है कि इसे तो मेरे मूवमेंट्स के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। और अब ब्लैकी साउचेन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तब साउचेन भी अपने स्टाइल में खड़ा होते हुए कहता है कि ब्लैकी चलो एक साथ इसके ऊपर अटैक करते हैं। और इतना कहते ही साउचेन और ब्लैकी दोनों मिलकर अपनी अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो यूनिकॉर्न बस अपने ऑरा से उन दोनों के अटैक को रोक लेता है। और अब ब्लैकी कहता है कि साउचेन ये प्लान भी फेल हो गया। और अब साउचेन कहता है कि इसके पास तो पहले से ही हमारे सारे अटैक का तोड़ मौजूद है, और इसलिए अब हमें कुछ अलग सोचना होगा। और अब ये देखकर लियांग हंसते हुए अपने यूनिकॉर्न को ऑर्डर देता है कि सबको खत्म कर दो। और अब इतना सुनते ही वो यूनिकॉर्न भी बहुत ही जोर से रोर करने लगता है। और फिर हम लियांग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा था। और अब ये देखकर साउचेन लियांग से कहता है कि तुम्हें इस यूनिकॉर्न को कंट्रोल करने में अपनी 90% से भी ज्यादा लाइफ पावर का यूज करना पड़ रहा है, तो अब मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम कब तक इस यूनिकॉर्न को कंट्रोल कर पाते हो। और अब ये सुनने के बाद लियांग हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने इस चीज के लिए भी प्रिपरेशन नहीं की होगी। और इतना कहते हैं लियांग मार्शल स्प्रिट कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकाल देता है, और जितने भी लोगों ने उसके साथ मार्शल स्प्रिट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था लियांग अब उन लोगों के लाइफ पावर को छीनने लगता है। और अब ये देखकर हानसून कहता है कि ब्रदर लियांग आपने तो कहा था कि आप किसी को भी चोट नहीं पहुंचाओगे, लेकिन आपने तो सबकी लाइफ पावर छीन के उन सबको मार दिया। तब लियांग कहता है कि कम ऑन, ये तो बस छोटे मोटे कीड़े थे जो कि आज नहीं तो कल मर ही जाते। और अब बहुत ही बड़ी अमाउंट में लाइफ पावर के मिलने की वजह से वो यूनिकॉर्न और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। और अब वो अपनी पूरी पावर से साउचेन और ब्लैकी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और अब उसे आता हुआ देखकर ब्लैकी साउचेन से कहता है कि जल्दी से मेरे ब्लड लाइन के साथ अपनी पावर्स को मर्ज करो। और अब ये सुनते ही साउचेन भी ओके कहता है। और अब दोनों के पावर के मर्ज होने की वजह से फिर से वहाँ पर एक फ्यूजन अटैक क्रिएट होता है। और अब हम देखते हैं कि उस यूनिकॉर्न के अटैक से वही फ्यूजन अटैक साउचेन और ब्लैकी को बचा रहा था। और अब उन दोनों के अटैक के टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब हम देखते हैं कि सब कुछ शांत होने के बाद वह यूनिकॉर्न किसी चीज को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और अब हम देखते हैं कि उस फ्यूजन अटैक के कारण वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सांप आ जाता है जो कि कोई आउटर रियलम का क्रिएचर लग रहा था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।